सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन मेरिडियन की। ब्रेन को पेरिकार्डियम भी बोला जाता है। पेरिकार्डियम इनके हिसाब से इसका आ रहा है आई, कई बुक्स में आई लिखा होगा, ज्यादातर में पी लिखा होता है, पेरिकार्डियम पी से। ये हमारा शरीर का बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिडियन है। इससे हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज पेरिकार्डियम मेरिडियन से करते हैं। ज्यादातर हमारे में से ज्यादा लोग अपने दिमाग का 1% ही हम यूज करते हैं केवल, जो 2% करते हैं वो थोड़े बुद्धिमान हो गए, जो 3% अपने दिमाग को यूज करते हैं उनको हम जीनियस बोलते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ये तो, और जो 5-6-7% अपने दिमाग को यूज कर लेते हैं वो तो हमारे जो बड़े बड़े धार्मिक साधु संत हैं वही कर सकते हैं। पहले हमारे साधु संत कितनी बड़े बड़े ग्रंथ लिख देते थे, हाथों से लिखना होता था, कोई टाइपराइटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, कुछ नहीं, वो कितने इंटेलिजेंट होते थे वो। गुरु ग्रंथ साहब जी में एक जगह पे आता है, केते सूरज केते चंद, कितने ही सूरज है कितने ही चंद्रमा है, आज से 500 साल पहले उन्होंने लिख दिया। और आज ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सूरज एक नहीं है, सूरज तो कई है, चांद तो कई है। तो वो कितने इंटेलिजेंट होते थे। वो अपना दिमाग को यूज करते थे, हम अपना दिमाग यूज नहीं करते। तो कई तो 1% भी यूज नहीं करते, 1% भी यूज नहीं करते। लिख कर भेजो कि ये क्लास 15 तारीख को स्टार्ट होनी है, तो ये होनी है 22 को, फिर मैसेज आ जाएगा कि सर ये वाली पहले होनी है, ये वाली पहले होनी है। या कई बार हमारी क्लास होती है उस बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर पूछते हैं कि सर अब कहाँ पे आए जी, पीछे एक का मैसेज आया सैटरडे को सुबह 8 बजे के, सर यहाँ तो सब हाल बंद पड़े हैं, आप आए नहीं अभी तक। मैं भी एकदम परेशान हो गया, भाई आज मेरी क्लास थी क्या। फिर ध्यान आया भी आज तो शनिवार है, उसको बोला भाई देख क्लास आज नहीं कल है। तो ये है अपना दिमाग ना यूज करने वाली बातें। 1% भी हम अपना दिमाग यूज करते ही नहीं है, ध्यान से उसको पढ़ते ही नहीं है। अगर हम अपना दिमाग यूज करेंगे तो हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता। भगवान ने सबको बुद्धि एक जैसी दी है, वो अलग बात है कि किसी किसी को हजारों लाखों में एक आध को
थोड़ी सी परेशानी हो, अदरवाइज सबका दिमाग एक जैसा होता है, हम उसको यूज नहीं करते हैं। कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही उसको दो तीन बार आप पढ़ लीजिए। तो जैसे इसका नाम है ब्रेन, दिमाग से संबंधित जो भी बीमारियां हैं कौन कौन सी होती हैं? पागलपन हो गया, फिर याददाश्त कमजोर होगी, माइग्रेन हो गया, किसी को पैरालिसिस हो जाए, या किसी का शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे, पार्किंसन हो जाए, कई बार ये जरूरी नहीं कि आपको किसी को पैरालिसिस हुआ है, धीरे धीरे पहले एक उंगली काम नहीं करती, फिर वो बढ़ती बढ़ती दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है, पता चलता है इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, धीरे धीरे पूरा हाथ काम करना बंद कर देता है। जो उसका कंट्रोल है दिमाग से वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, उस समय हम ध्यान नहीं करते और वो में दिक्कत होती है। इसके साथ ही गर्दन में अकड़न हो जाए, बेहोशी हो जाए, कोई आदमी बेहोश हो जाए और बिल्कुल इच्छा शक्ति खत्म हो जाना, पेट में कोई बीमारियां हो उसके लिए भी हम ब्रेन मेरिडियन को एक्टिवेट करते हैं। आप खुद देख लो कि ब्रेन से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं। मुंह का लकवा हो गया, ब्रेन ने उनको डायरेक्शन देनी बंद कर दी ना। पैरालिसिस ऊपर का हो या नीचे का हो, कहीं का भी हो, पार्किंसन में भी जो ब्रेन है हमारा वो काम करना थोड़ा स्लो कर देता है, उसकी वजह से हमारा हाथ हिलता है, कईयों का हाथ हिलता नहीं वैसे ही कांपता है, पार्किंसन ही होता, हाथ कांपता है। अगर वो रख देंगे तब उनका हाथ नहीं हिलेगा, कहीं अगर हमने रख दिया ऐसे हाथ तब नहीं हिलेगा, वैसे हिलता है। चाय का कप पकड़ते हैं तब हाथ हिलता है, उंगलियां हिलती हैं। तो इन सब समस्याओं के लिए हम ब्रेन मेरिडियन को एक्टिवेट करते हैं। इसका जो टाइम है शाम को 7 से 9 बजे का टाइम है इसका, और याददाश्त के लिए, और याददाश्त में आया अगर हमारी मेमोरी कमजोर हो रही है तो ब्रेन से ये रिलेटेड है ना, चिंता करना अपने आप को, चिंता भी इससे रिलेटेड है, अधिक चिंता करना। मान लीजिए मैंने कहीं जाना है, मेरी फ्लाइट है सुबह 11 बजे की, ट्रैफिक जैम है, मैं 10:30 तक ट्रैफिक में फंसा हूँ, नहीं जा पाया। अगर मैं चिंता करता हूँ बिना बात की, फिजूल की, एक तो ये है कि फ्लाइट मिस होगी, होगी कोई बात, चिंता करता हूँ, हाय फ्लाइट मिस होगी, हाय मैंने वहाँ जाना था, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, या नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, हो गया देन व्हाट,
ऐसे अधिक चिंता लगाना भी हम ब्रेन मेरिडियन को एक्टिवेट करते हैं। इन्हीं चिंता की वजह से ही हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। एंजाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं है। लेडीज लोग, जो हमारी लेडीज हैं, हमारी बहनें हैं, वो चिंता बहुत करती हैं, जरूरत से ज्यादा चिंता करती हैं। फिर उनको रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आएगी तो चिड़चिड़ापन सुबह उठने के बाद अपने आप हो जाएगा, नींद नहीं आएगी तो सर भी दुखेगा। तो इसलिए अपनी चिंता थोड़ी कम करो, जो होना था हो गया, कोई बात नहीं। तो हमने अपने ब्रेन मेरिडियन को, पेरिकार्डियम को एक्टिवेट करना है। अगली वीडियो में एक और मेरिडियन के साथ हाजिर होंगे। तब तक लिए नमस्कार। Have a nice day.